अच्छा, अगर हम यहाँ से शुरू करें, रुबीना पा आपसे शुरू करते हैं, माशाल्लाह, आपको क्या लगता है कि शादी की डेफिनेशन क्या है, या जब आपकी शादी हो रही थी तो आपके बड़े बुजुर्गों ने आपको क्या समझाया, जब आपकी बेटी की हो रही थी या आप यंगस्टर्स को क्या एक दो नसीहतें देती? शादी का मतलब है दो लोगों का मिलके एक ज़िंदगी शुरू करना और उस ज़िंदगी को आगे बढ़ाना, क्योंकि दुनिया का मकसद यही है कि हम इसको बनाएं और इसको बढ़ाएं, है ना। हम क्योंकि हम तो खैर हम क्या सभी मानते हैं कि हम इस दुनिया में आए हैं और एक मुद्दत पूरी करके चले जाएं। बिल्कुल। और जब हम जाएंगे तो जाहिर है ये दुनिया चलती रहेगी, चल रही है सदियों से और चलती रहेगी। इंसान का दुनिया में होने का मकसद यही है कि वो इस दुनिया को चलाए एहसन तरीके से और आगे बढ़ाता जाए और आगे चलने के लिए बना के छोड़ता जाए। शादी उसी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, बिकॉज हम घर बनाते हैं, हम उसको चलाते हैं, हम बच्चे हमारी ज़िंदगी में हम लेकर आते हैं, दुनिया में लेकर आते हैं, फिर हम उनको बेहतर इंसान बनाने की कोशिश करते हैं, उनको कहीं ना कहीं हर कोई, है ना, दैट गोज विदाउट सेइंग कि हर किसी की फिर ज़िंदगी का मकसद अपने बच्चों को बेहतर जगह पे देखना होता है। सो व्हेन यू गेट इनटू दिस पैक्ट, दिस कमिटमेंट एग्जैक्टली, तो इसको बहुत लाइटली नहीं लेना चाहिए। ये कमिटमेंट ही है, इट इज एट द एंड ऑफ द डे अ कमिटमेंट, जो कमिटमेंट भी कह सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर आप सीरियसनेस की बात कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट को हम कई दफा कमिटेड नहीं होते ना कॉन्ट्रैक्ट के साथ, हम कर लेते हैं बट हम उसको कहते हैं हाँ ठीक है कर लिया है, समझ आएगा तो रखेंगे, नहीं तो तोड़ देंगे। बट कमिटमेंट एक ऐसी चीज है जो आप दिल से और दिमाग से दोनों से करते हैं और आप सोचते हैं कि ओके हमने ये देखा है अपनी जिंदगियों में कि शादी की उम्र कम से ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा होती गई। क्यों? क्योंकि हमारे बच्चे या अगली जनरेशन्स कमिटमेंट के लिए उतनी तैयार नहीं थी, उनको और ज़्यादा वक्त चाहिए था। उनकी ज़िंदगी में पढ़ाई इम्पॉर्टेंट थी, उनकी ज़िंदगी में जो भी वो ट्रैवल करना चाहते थे, कुछ बच्चे किसी करियर के किसी पॉइंट पे पहुंचना चाहते थे और माँ बाप ने उनको लेवरेज दिया, है ना, और दे रहे हैं। बिल्कुल। शादी की उम्र जो है वो मेरा ख्याल है 14 साल से शुरू हुई थी मेरी नानी की उम्र में और फिर वो अब 34 साल तक पहुंच गई है ना, मे बी इवन लेटर देन दैट। एंड वी, और इसमें ऐसा नहीं है कि हम इजाजत दे रहे हैं तो बच्चे कर रहे हैं, ये वक्त के साथ चीजें बदल रही हैं। बट द वन थिंग दैट स्टेज देयर इज when you're ready you'll get married, which means when you're ready to commit, when you're ready for the hardships, the responsibility, and the fun that you will have to make yourself, jo aap wo create karna padta hai, exactly wo khoobsurat zindagi jo aap को बना के कोई देगा नहीं कि जिसके अंदर आप घुसेंगे और आप बहुत enjoy करेंगे, आप अपने नए कपड़े पहनेंगे, वो ठीक है हम थोड़ी बहुत बना देते हैं हमारे यहाँ कि हम आपको एक हेड स्टार्ट दे देते हैं, कपड़ा, आसानियाँ, ज्वेलरी, बट वो जिंदगी आपको खुद बनानी है। बस वो आपके लिए कोई नहीं बना सकता। ये एक ऐसा रिश्ता है जिसके ऊपर सबसे कम काम होता है कि बस शादी हो गई अब तो छोड़ो, अब तो बस ऑटो पे डाल दो। मेरे ख्याल से यही हो रहा है, ऑटो पे डालने की वजह से कुछ गड़बड़ें इस तरह हो रही हैं, क्योंकि मशीन है ना, मशीन भी खराब होती है तो उसकी सही मुरम्मत करने के लिए लोग आते हैं, लेकिन यहाँ मुरम्मत नहीं होती और फिर जब मुरम्मत नहीं होती जंग लग जाता है और फिर जंग लगने के बाद सब कुछ ख़त्म हो जाता है। ट्रू।